When you feel it's hopeless, when you think that you've lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clean my throat. Hey guys, welcome to the channel. तो कैसे हैं आप सब लोग? तो guys, आज है 24 दिसंबर 2019 और अभी बजा है सुबह के 7:30 और हम निकले हैं सोलापुर से अहमदपुर के लिए. अहमदपुर जो है वो मेरा ससुराल है, जहाँ पर मेरी सासू माँ, मेरे देवर देवरानियाँ रहती हैं. तो मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ. 25 दिसंबर को बेड़ा अमावस्या है, तो उसी की पूजा की तैयारी के लिए हम लोग निकल रहे हैं. और 25 दिसंबर को सारी फैमिली इकट्ठी होके हम लोग खेत में जाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे. तो उसी वजह से मैं सोलापुर से अहमदपुर जा रही हूँ. ये लातूर से आगे आता है और 190 किलोमीटर की दूरी पर है सोलापुर से अहमदपुर. तो चलिए, मैं घर पहुँच गई हूँ और रात को हमने सारी प्रिपरेशन कर ली थी, भज्जी की तैयारी कर ली थी. भज्जी बोले तो इस सब्जी का नाम है. यहाँ पर सारी सब्जियाँ, जितनी भी सब्जियाँ होती हैं, वो इकट्ठी करके बनाई जाती है. यूपी में इसको शायद अन्नकूट बोलते हैं. वहाँ पर इसका तरीका जो है बनाने का अलग है, यहाँ महाराष्ट्र में तरीका अलग है. तो चलिए देख लेते हैं महाराष्ट्र में कैसे बनाते हैं भज्जी. तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. तो यहाँ पर हमने सब्जी की सारी काटा पीटी करके तैयारी कर ली है और यहाँ पर हमने बाहर आंगन में चूल्हा बनाया है, एक छोटा सा ईंट वगैरह रख के. और अभी मेरी देवरानी जो है वो चूल्हे की पूजा कर रही है और अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पर चूल्हा जल चुका है, पूजा भी हो गई है और अब ये मेरे देवर ने जो है वो भगोना रख दिया पूरा सब्जी का. तो सब्जी पहले बॉईल होगी. तो जितनी भी टाइप की सब्जियाँ थी वो सारा हमने अच्छे से काटा पीटी करके धो धा के उसको पानी डाल के बॉईल कर लिया. अभी हम फिर जब वो बॉईल हो गया वो उतार दिया हमने और अभी हम तड़का मारेंगे उस सब्जी को. तो देख लेते हैं किस तरीके से बनती है ये सब्जी और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, खेत ले जाऊंगी. और यहाँ पर हमने कम से कम 11 बजे ये सब्जी बनाना स्टार्ट किया था, रात को 11 बजे. मतलब सारा घर का काम वगैरह करके, खाना पीना खा के रात दूसरे दिन की तैयारी हमने पहले दिन ही कर ली थी. मतलब 25 तारीख की तैयारी हमने 24 तारीख को रात को ही कर ली थी, क्योंकि 25 तारीख को काफ़ी लोग थे खाने के लिए. तो एकदम से हमसे नहीं होगा, इसी वजह से हमने भज्जी की प्रिपरेशन एक दिन पहले, मतलब रात को बना ली थी सब्जी. तो फिर इस तरफ सब्जी बन रही थी, भज्जी बन रही थी और दूसरी तरफ सारे बच्चे, हम लोग सब इंजॉय कर रहे थे, गाना वगैरह लगा के. एक अलग ही माहौल था गाइस. अगर घर में कोई फंक्शन हो और सारे फैमिली मेंबर एक जगह हो, काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे हो, तो ये माहौल बन ही जाता है. तो मेरा, जैसे कि मैं सोलापुर में रहती हूँ, मेरा छोटा देवर पुणे में रहता है, तो हम सारे इकट्ठे होते हैं. ऐसा ही कुछ फंक्शन होता है तब हम सारे इकट्ठे होते हैं, तो इसी तरीके से हम इंजॉय करते हैं. तो चलिए, सब्जी कैसे बनती है मैं आपको आप तो देख ही रहे होंगे सब्जी किस तरीके से बन रही है. मैं रिकॉर्डिंग वहाँ पर नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा था सबों के सामने बोलना, और वहाँ पे वो माहौल भी नहीं था क्योंकि दूसरी तरफ बच्चे इंजॉय कर रहे थे, गाना बज रहा था. इसी वजह से मैं बोल नहीं पाती, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग जो है वो मैं बाद में कर रही हूँ. और यहाँ पर ये सब्जियाँ बनती जा रही है. चलिए देख लीजिए और फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में.
तो गाइस ये थी मेरी छोटी सी प्रिंसेस, मेरे छोटे देवर की बेटी, और गाना बजते ही वो उसका फेवरेट गाना है और शुरू हो जाती है डांस करना। और इधर जो रेड फ्रॉक में जो घूम रही है वो मेरे बीच वाले देवर की बेटी है, और वो भी बहुत ही क्यूट है, और मेरी प्रिंसेस है ये दोनों। और मतलब आप देख सकते हो डांस का पूरा माहौल था, इधर डांस कर रहे हैं बच्चे और इस तरफ खाना बन रहा है, कुछ बच्चे हॉस्टल के भी हैं क्योंकि हमारे घर में हॉस्टल है, तो वो बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। कम से कम 40 बच्चे हैं हमारे हॉस्टल में। और फिर ये नेक्स्ट डे 25 दिसंबर को मॉर्निंग में सुबह सुबह 6 बजे चपाती बनकर तैयार हो गई और पूजा हो गई, क्योंकि हमें 10:30 बजे तक हमें किसी भी हालत में खेत में पहुंचना था। तो सारा नहाना धोना, प्रिपरेशन करना, सुबह के बच्चे, आप समझ ही सकते हो कितना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पूजा भी हो गई है, अब हम निकलेंगे 10 बजे करीब लगभग हम घर से निकले थे और खेत जाने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा खेत, चलते हैं खेत में। तो गाइस हम आ गए हैं अपने खेत में, और जैसा कि आप देख रहे हो खेत के राइट हैंड पे एक बहुत बड़ा तालाब था, और अभी हम जा रहे हैं घास, बड़ी बड़ी झाड़ियों को चीरते हुए तो खेत में तो यही होगा और क्या होगा, सबको चीरते हुए जाना है, फलांगते हुए जाना है, क्योंकि सारी समतल जमीन तो है नहीं, सब उबड़ खाबड़ है। तो जा रहे हैं अभी हम खेत में और बहुत सारा इंजॉय करेंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे। और ये देखिए लाइन लग के पूरा परिवार जो है मेरा, मतलब इतना बड़ा परिवार है मेरा कि हमें किसी दूसरे मेंबर को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ पार्टी वगैरह हुआ, क्योंकि मेंबर ही इतने हो जाते हैं होता है बुलाते हैं हम लोग, लेकिन ये जो आज का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ फैमिली का ही है। तो सब आ चुके हैं, हम लोग 2 कार में और 1 मोटरसाइकिल में, इतने लोग आ पाए। तो मेरे हस्बैंड की गाड़ी, मेरे छोटे देवर की गाड़ी और 1 मोटरसाइकिल में हम इतने लोग आए हैं मतलब खेत में। और खेत कम से कम 20 मिनट की दूरी पे है हमारे घर से। तो अभी हम लोग खेत में जो है प्रिपरेशन करेंगे पूजा की। तो वैसे तो हमको एक दिन आके पहले आके हमें करनी चाहिए थी, पर सब लोग, जैसा कि मैं आपको बताया कि हम लोग छोटा देवर गांव में, उधर पुणे में, मैं इधर, तो एक दिन में ये सारा प्रिपरेशन नहीं हो पाया था, इसलिए हम जिस दिन पूजा थी उसी दिन हम खेत में आके कर रहे थे। तो ये खेत में 5 पांडव बोल के ऐसे पत्थर रखे हुए हैं, और यहाँ उनको
पांडव बोलते हैं, मतलब जैसे हनुमान के मूर्ति कैसे रख देते उसी टाइप में ये है। तो उन पत्थरों को मेरा जो देवर है वो चूना लगा रहा है अच्छे से, मतलब पेंट करना होता है, चूने से पेंट किया जाता है। और मेरी देवरानी अभी हल्दी कुंकू से टीका वगैरह करके उनकी पूजा कर रही है। और दूसरी तरफ हमने एक मंडप तैयार किया है जहाँ पर मिट्टी से 5 पांडव बनाए हैं, उनको भी हल्दी कुमकुम करके और उनकी भी पूजा अभी की जाएगी। और घर से ही हमने सारी प्रिपरेशन करके लाए थे, जो नैवेद्य जो उनका भोग वगैरह जो भी है वो सारा अभी लगाया जाएगा। सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पूजा होने के बाद हम यहाँ पर अभी बैठेंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, और जो हमने कल सब्जी बनाई थी वो थोड़ा थोड़ा खाएंगे प्रसाद के तौर पे, क्योंकि यहाँ से अब हम दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पर जो पूरा तैयारी है, हमने इतने लोगों का खाना बनाया है, मतलब मेरी सासू माँ के जो भाई हैं, मामा जी हैं, उनके यहाँ पर खाने का पूरा प्रोग्राम है। मतलब आधा खाना हमने बनाया है और आधा खाना उन्होंने बनाया। तो हमारे खेत की पूजा हो चुकी है और अब हम निकले हैं मामा जी के खेत की तरफ। तो ये हमारी गाड़ी है, अभी इसमें हम सारी लेडीज़ बैठेंगे। और दूसरी गाड़ी पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो दूसरी गाड़ी है वो मेरे देवर की है, और इस गाड़ी में सारे जितने भी जेंट्स आए हैं वो सारे उस गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अपने मामा जी हैं जो मेरे मामा ससुर हैं उनके खेत में जाएंगे। और ये देखिए, ये मेरा बीच वाला देवर और मेरा बड़ा बेटा मोटरसाइकिल में गए, और मेरा छोटा देवर बाकी जो बच्चे हैं उनको लेकर आगे निकला। और इस गाड़ी में हम सारी सासू माँ, देवरानी, मैं, हम सब इस गाड़ी में निकल रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं मामा जी के खेत में। तो चलिए चलती हूँ वहाँ पर, दिखाती हूँ वहाँ पर क्या होने वाला है। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं मामा जी के खेत में, मेरे मामा ससुर के खेत में। उनकी भी पूजा हो चुकी है, जैसे कि हमने पूजा करी उन्होंने भी पूजा कर ली है। और ये है उनका खेत, और ये जो पूजा होती है ये हर जो किसान होता है वो करता है। और आप देख सकते हो सब लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो भज्जी चपाती हमने बनाई थी मामा जी की घर की तरफ से, खीर और मट्ठा ये सब उन्होंने बनवाया था, ताक जिसे बोलते हैं। और ये सब मिलके हमारा पूरा परिवार, हॉस्टल के बच्चे सारे मिलकर यहाँ पर खाना खा रहे हैं खेत में। तो गाइस, ये जो पूजा होती है किसान लोग करते हैं, और ये पूजा पूरे महाराष्ट्र में नहीं होती है, कुछ ही जगहों पे होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर इसी के साथ मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।